गहना हर लड़की के लाइफ में, हर लड़की का लाइफ में लव लाइफ रहता है, जैसे कि किसी का पार्टनर हो, कोई उन्हें धोखा देता है तो किसी के लिए वो यादगार रहता है। आपकी लाइफ में लव पार्टनर ऐसा कौन है जो धोखा दिया हो या फिर यादगार रहा, जिसके वजह से आज आप जब भी उसका नाम ले तो इमोशनल होती हो? अच्छा, मैं हालांकि अपनी लव लाइफ के बारे में प्रेफर नहीं करती कि बातें करूं। आप मेरा इंस्टाग्राम देख लो, कहीं भी देख लो, पहले मैं कभी नहीं करती थी, बट बहुत रीसेंट वाला ब्रेकअप है तो बात कर लेते हैं। क्या हुआ, दो बॉयफ्रेंड्स के बारे में बातें कर सकते हैं? हुआ क्या, जब मैं अरेस्ट हुई थी उसके कुछ दिन पहले मैंने मैट्रिमोनियल साइट में अपना अकाउंट बनाया था, तो वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला, राम वाधवा, वो उल्लासनगर का था, और मैं उससे सिर्फ दो बार मिली थी जेल जाने के पहले। मैं एक बार शिरडी गए थे हम साथ में, और कुछ दिन पहले, तीन चार दिन पहले मैं उसको मिली थी, बट वो चूँकि पुलिस वगैरह में काफ़ी रहता है तो उसे काफ़ी नॉलेज था। तो जब मैं अरेस्ट हुई, मुझे जेल में हर महीने 4,500 रुपये भेजना, उसने मुझे कुछ 71 पैर के मुझे सूट्स भेजे, जेल में परमिशन शायद नहीं मिलते स्लिपर्स की, उसने मुझे दो परमिशन, मुझे हर महीने दो बार इंसुलिन लगता था, इंसुलिन, एडवोकेट के पैसे देना, मुझे जेल में ड्राई फ्रूट से लेके मेरा कैंटीन, मेरी हर चीज़ की ज़रूरत उसने पूरी की। और हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। जब मैं जेल से बाहर निकली, सारा कुछ उसी ने कराया, ये राम भगवान की कृपा है। और जब मैं बाहर आई तो वी हैव स्टार्टेड डेटिंग, वी वर इन अ रिलेशनशिप, वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो फिर जब राज अरेस्ट हुआ, क्योंकि मैं बाहर आई हूँ जेल से 22 जून को, राज अरेस्ट हुआ है 19 जुलाई को, तो रात को मुझे भारती का फ़ोन आया, भारती मैम का, जो ई टाइम्स में रिपोर्टर हैं, कि यार गहना, राज गॉट अरेस्टेड, व्हाट यू वांट टू सी अबाउट इट। मैंने कहा शिट, अब क्या करूं। मैंने राम को फ़ोन किया रात को 2 बजे, राम ने तुरंत ललित होटल बुक किया और मुझे 4 महीने से ललित होटल में रखा, सब कुछ उसने पे किया, जबकि मेरे अकाउंट फ्रीज थे। उसके बाद कुछ दिन इसने अपने घर पर रखा, और इसकी मम्मा ने मुझे मेरी सगी मम्मा से भी ज़्यादा प्यार किया, इन लोगों ने मेरा हर चीज़ का ख्याल रखा, बहुत सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ। फिर एक दिन राम के ऊपर 2 पुलिस केस हो गए। फिर राम मेरे साथ था घर पे, जो मुझसे बन सकता था मैं करी, वो ड्रिंक करता था, मेरी ड्रिंक मैं नहीं पिला सकती हर रोज़, बहुत मेहनत के पैसे मेरे, बाकी सब कुछ आई कैन टेक केयर ऑफ, बट ड्रिंक्स मैं आपको नहीं पिला सकती। एक दिन मैंने इसको एक दिल्ली के ऐप वालों से मिलाया, ये उनसे मिला, उन्होंने इसको 1,26,00,000 रुपये फ़ंड किए, और जैसे इसको पैसे मिला ये मेरे हाथ से ऐसे निकल गया, ठीक है, मतलब छोड़ दिया इसने मुझे। और कुछ 2-3 महीने के बाद ये 1 नवंबर को गया यहाँ से, और 10 जनवरी को इसने एक नई लड़की को प्रपोज़ कर दिया, जो कि डाइवोर्सी है, जिसने अपने पति से डाइवोर्स में 70,00,000 रुपये, 50,00,000 का कैश लिया, और ये उसके साथ रहने लग गया, और चल रहा है, 1 साल निकलने वाला है। 16 जून मेरा बर्थडे था, तो मैंने इसको कॉल किया कि यार तू मुझे केक तो भिजवा सकता था, तो बोलता है यार गहना, इट्स नॉट वर्किंग आउट, लेट्स फिनिश दिस। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो कुछ नहीं, तुम खुश हो। फिर लड़की से मेरी बात हुई, वो जिस होटल में लोग रुक रहे थे, मैंने होटल में डिटेल्स निकाल लिया, अपनी इतनी तो पहचान है कि लड़की के घर तक पता लगा लें। मैंने लड़की का फ़ोन नंबर, पिक्चर्स की सारी डिटेल्स निकाल लिए, देन हैव स्पोकन टू हर, इसने बोला था कि मेरे पास 100 करोड़ रुपये हैं, और लड़कियों को, दिल्ली वालियों को अगर पैसे देख जाएँ तो वो तो अपने बाप के भी नहीं होती हैं। सो उनका रिलेशन चलने लगा, और मैं बहुत बुरा टूटी हुई थी। तो जब मेरा बर्थडे था, जब राम ने मुझे ये, हम लोग का ब्रेकअप हुआ, उस समय गौरव वॉज देयर विद मी, वो मेरे साथ शूट कर रहा था, तो मैंने गौरव को बताया, तो हमारे इंडस्ट्री में पता ना, कंधा देने के लिए तो सब बैठे होते हैं ना, कि यार वी आर देयर फॉर यू, लड़की का ब्रेकअप हुआ, लड़के तो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बंदे ने कंधा दिया मुझे, मैंने कहा यार ठीक है, छोटा था मुझसे एज में, और मैंने ही उसे 5.5 साल पहले लॉन्च किया था, 40 से 42 वेब सीरीज उससे मेरी की होंगी, जो फिल्म मैं भी कर रही थी उसमें भी उसको मैंने मेन एंटागनिस्ट का रोल दे दिया, उसका पोस्टर में फेस दे दिया, उसका गाना भी करवा दिया। आप अपनों के लिए करते हो, दैट इज़ नॉर्मल, आप कोई एहसान नहीं करते हो। तो हम लोग साथ में गए बांके बिहारी जी के मंदिर, और वहाँ पर यार पूरा वो घंटी बज रही थी, पूरा म्यूज़िक था, पूरा फील था, उस बंदे का हाथ मेरे हाथ में है, और हम लोग के दोनों के हाथ गले में माला पहनी हुई है, और मुझे सिवाय गौरव के कुछ नहीं दिख रहा।
तो मैंने कहा यार भगवान ये क्या इशारा चल रहा है यार। अच्छा मेरा एक रूल है, मैं अपने एक्टर्स को कभी नहीं देखती, मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी एक्टर को डेट नहीं किया, कभी नहीं, ये पहला एक्टर होगा। तो अजीब सा लगा। एंड देन सेम डे हमको वापस आना था, तो हम लोग एक कार में आ रहे हैं, मैं उसके बगल में सोई हुई हूँ, हम लोग की फ़्लाइट मिस हो जाती है, फिर वो कहीं और निकल जाता है, मैं वापस आ जाती हूँ। सेकेंड डे उसकी जो करंट गर्लफ्रेंड है वो मुझे गालियाँ दे रही है, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्यों गाली दे रही हूँ यार, तो मेरा तो कुछ लेना देना नहीं, आपने मेरे साथ काम किया आप चले गए। फिर मैं गौरव 2 महीने तक बात नहीं करते। फिर हम एक अगले शूट पर मिलते हैं जयपुर में, जहाँ पर उसे जो रूम दिया जाता है वो लोकल लोकेशन में, और मुझे प्रॉपर स्टार होटल दी जाती है। तो मैं कहती हूँ यार तो मेरा बच्चा है, मैंने लॉन्च किया, चल तू मेरे साथ रुक जा। हम 3 दिन तक एक ही होटल में एक ही रूम एक बेड पे होते हैं, बट हमारे बीच में कुछ नहीं होता। फिर मैं कहती हूँ यार लड़का तो ठीक है, बदतमीजी तो नहीं किसने मेरे साथ। फिर वापस आते हैं, फिर चीज़ें शुरू होती हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट होता क्या है ना, जब किसी आदमी को कुछ ऐसा मिल जाए जो वो डिज़र्व नहीं करता ना, तो उसकी कदर नहीं करता है। अगर मैं मेरी औकात से बाहर मुझे कुछ मिल जाएगा ना, तो मैं रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊँगी। तो बंदे ने मुझे ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, एकदम से चीज़ें बदल गई। मतलब जो बंदा मेरे पैर छूता था यार, जब मैंने उसे लॉन्च किया था 5.5 साल पहले, मैं सेट पे आती तो मेरे पैर छूता था, आज वो बंदा मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि आई एम नथिंग, मतलब मैं एक डोरमेट हो गई हूँ। तो वर्कआउट नहीं हो पाया, ख़त्म होना ज़रूरी था। एंड देन उसके बाद वो ब्रेकअप पार्टी सेलिब्रेट कर रहा है, वो दूसरी लड़कियों के साथ पार्टीज़ कर रहा है। देन आई वॉज लाइक लेट इट बी, ये मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, आई डोंट डिज़र्व दिस, आई एम ओके, प्लीज़ शूट, डोंट कट, हाँ आई डोंट डिज़र्व दिस, मैं डिज़र्व नहीं करती है। मैंने कहा फेयर है ना फेयर, रिश्ता जहाँ ख़त्म होना है हो जाए, बट सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत से बड़ा कुछ नहीं है। तो नाउ आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। गहना फैजान अंसारी के साथ एक फ़ोटो वायरल हो रहा था, बाद में आपने इस पर सफाई दी कि ये एक वेब सीरीज का शूट है, लेकिन इसके वजह से काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि गहना ने मोमेडियन में आके शादी किया, ये किया वो किया, किसी को बताया नहीं। अच्छा मैं बताती हूँ, फैज़ान को मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। लास्ट टू लास्ट ईयर मैं जब एकता कपूर का शो करने वाली थी लॉकअप, तो हम लोगों की जो मीटिंग हुई थी 2nd of December 2021 को हुई थी, हम लोग के बीच में सारी डील हो गई, सब कुछ हो गया, और मुझे 21st of April को बोला जाता है कि हम ये शो आपके साथ नहीं कर रहे हैं, जबकि हम लोग कालिया मैदान फिल्म सिटी में जाके हमने सारी बाइट्स वगैरह शूट की, हमने पोस्टर शूट किया। सेम डे मेरे दिन पे ये भी थी, वो क्या नाम है यार, वो जो पायल वॉज देयर, सारा खान वॉज देयर, सारा का पति वॉज देयर, वैसे 4-4 घंटे का स्लॉट था, तो हमने शूट किया। और ऑल ऑफ सडन 5 महीने मुझे घर में बैठाने के बाद ये लोग मेरा शो मना कर देते हैं। तो मैंने एक PR हायर की मोनिका करके, मोनिका मिश्रा, जो फिल्मी बीट में है। सो आई हैव कॉल्ड हर अप एंड आई वॉज लाइक यार आई शैल टॉक अबाउट इट, मैं क्यों नहीं बात करूं। देखो मुझे ऐसा लगता है जितनी डेमोक्रेसी आपके पास है उतनी मेरे पास है, जितना लोकतंत्र आप जीते हैं मेरे पास है, जितना देश का संविधान आपके लिए उतना मेरे लिए, आप चाहे कोई भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपका नहीं खाती, आपको मैं अपना नहीं खिलाती। तो पहली बार मैं फैज़ान को वहाँ मिली ख़त्म। फिर देन सेकेंड डे कैब की पार्टी थी, वहाँ पे आई मेट हिम, देन ख़त्म। मतलब मेरी उसकी मीटिंग कितनी हुई है, ऐसे 2 मिनट, जैसे उसने जैसे आप और मैं मिल रहे हैं, फिर भी बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो आया उसने बाइट ली, ख़त्म। वो रिपोर्टर था पहले। फिर एक दिन मुझे अचानक से उसने मुझे कॉल किया कि यार गहना मैम अपने को ना पोस्टर शूट करना चाहिए। मैंने कहा किस चीज़ का, तो बोला कि यार ऐसा ऐसा। मैंने कहा ये सब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ marriage.com, अगर वो तुम्हें करनी है तो यू कैन डू दैट। तो बोला कि ठीक है। सो हम लोगों ने उस फिल्म में, बहुत सारे एक्टर्स हैं, अभी वो फिल्म रिलीज़ होगी ना 1 or 2, तो हर एक्टर के साथ ना ऐसे छोटे छोटे से एक पोस्टर शूट्स हैं, क्योंकि marriage.com ही टाइटल है, तो आप ऐसे स्लाइड करोगे तो आपको बहुत सारे एक्टर्स मिलेंगे। तो फैज़ान वॉज वन ऑफ द एक्टर, दैट्स इट। उसके बाद में फैज़ान को एक मेरे बर्थडे केक कट के लिए उसने मुझे बुलाया, मैं सेम डे हमने केक कट किया। उसके बाद उससे ज़्यादा फैज़ान से मेरी कभी बात नहीं हुई, मेरा मोबाइल आप चेक कर लें, कभी हमने एक दूसरे को हाय हेलो तक नहीं किया, और मेरा फैज़ान का कोई लेना देना नहीं है, और कभी नहीं था यार। गहना अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर बात करें तो अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या क्या आ रहे हैं आपके? अच्छा वैसे मेरे पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा, ऊपर वाले का आशीर्वाद से, बट वो नहीं है जो मैं चाहती हूँ। तो देखो एक ऐप है ShowX करके, मैं उसके लिए बहुत सारी वेब सीरीज़ बनाती हूँ, आज उसकी एक रिलीज़ है, आज मैं एक रिलीज़ करूँगी उसमें। फिर मेरा खुद का एक बिकनी ब्रांड है गैगी, सो वहाँ पे उसके जो भी प्रोडक्ट हैं अमेजोन वगैरह सब पे आते हैं, वी कीप सेलिंग आवर ओन बिकनी, नॉट माई ओन बिकनीज, मतलब फ्रेश बिकनीज, ओके।
एंड देन काफ़ी सारी वेब सीरीज़ हैं, एक फिल्म है marriage.com जिसके बारे में जस्ट मैंने आपको बताया, और मैं चाह रही हूँ यार भगवान जी की थोड़ी सी मुझ पर कृपा हो जाए, कोई बड़ी वेब सीरीज़ मिल जाए यार अमेज़न नेटफ्लिक्स की, ज़िंदगी बदल जाएगी। और बाकी सब है, सब कुछ है, बहुत सब कुछ है, बट वो नहीं है यार पता जो चाहिए। तो आई एम जस्ट लुकिंग आउट फॉर समथिंग विच इज़ एक्चुअली गुड एंड बिग, सो भगवान जाने कब देंगे। गणपति जी कुछ कर दो यार। अच्छा गहना, शादी को लेकर क्या ख्याल है आपका? यार मैं तो, मेरे तो बहुत सारे ख्याल हैं, मैं तो, मेरा लहंगा बुक है, मेरी ज्वेलरी बुक है, मेरे पास मेकअप हेयर स्टाइलिंग लोकेशन सब है, सिर्फ लड़का नहीं है, ठीक है। सो ये मेरे आपके चैनल से एक दरख्वास्त है, ठीक है, ये एक रिपोर्टर, एक आर्टिस्ट, एक इंजीनियर, एक वेल एडुकेटेड पर्सन की रिक्वेस्ट है, अगर आपको कभी कोई एक अच्छा हैंडसम लड़का दिखे, देखो हैंडसम क्यों चाहिए, ताकि बच्चे सुंदर हो, ऐसा ना लगे कि पड़ोसी से मांग कर लाए हो, ठीक है, तो सुंदर लड़का नज़र में आए जिसकी हाइट 5'11" के ऊपर हो, सुंदर हो और इंसानियत हो। यार मैं एक घंटे में शादी कर लूँगी, मैं ऐसे पकड़ के लेके जाऊँगी, लेट्स गेट मैरिड, पता नहीं कब होगी। थैंक यू गहना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यार मेरी बात ही कमाल है, थैंक यू सो मच। गहना टेलीविजन की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, कंट्रोवर्सी में रहती है, लेकिन उनकी खूबसूरती लाइमलाइट में हमेशा सुर्खियों में रहता है। बॉलीवुड गॉसिप में विद वैशाली शेट्टी, आज के लिए बस इतना है, बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।